हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल बाय अनिल कुमार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ IBPS SO 2019 मॉक टेस्ट, जिसमें कि एग्रोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आज रहेंगे इस मॉक टेस्ट पेपर में। इसके पहले मैंने इसका पार्ट फर्स्ट जो है अपलोड कर दिया है, और ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि आने वाले जो AFO का एग्ज़ाम है, जो कि जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ही कम समय है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और पढ़ना हमें भी बहुत ज़्यादा है, हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो जो है, अभी से अगर नहीं हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो उतना हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बढ़ता हूँ आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन जो है शामिल किए थे, तो उन 25 क्वेश्चन के आगे मैं अब आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द क्रेशक ऑकर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस इज इन, क्या हो सकता है इसका आंसर? BLV, बैक्टीरियल लीफ या स्ट्रिप या फिर टोंग्रो वायरस या फॉल्स स्टम, फॉल्स स्मट। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों होगा 26 का सही उत्तर यहाँ पर है दोस्तों ए, यानी कि BLV जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, टोंग्रो वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय, जो टोंग्रो वायरस है वो किसके राइस में जो टोंग्रो वायरस होता है वो किसके द्वारा जो है ट्रांसमिटेड होता किया जाता है या फिर होता है? तो ये होता है स्टेम बोरर के द्वारा या फिर लीफ रोलर, ग्रीन लीफ हॉपर या गंदी बग। तो सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों इसका सी, यानी कि ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, डेड हर्ट एंड वाइट हेड डैमेज टू राइस इज कॉज्ड बाय, विच वन इज गालमेज, लीफ रोलर, आर्मी वर्म या फिर स्टेम बोरर। राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 28, राइट ऑप्शन इज डी, स्टेम बोरर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वरी सूट और ऑनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस टिलर्स इज कॉज्ड बाय, जो सिल्वरी सूट और या फिर ऑनियन लीफ में जो सिम्टम होता है वो किसके द्वारा होता है, वो यहाँ पे आपको बताना है। राइस हिप्स, गालमेज, लीफ रोलर या फिर डी, गंदी बग। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे बी होगा, यानी गालमेज जो है इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेसी स्टन वायरस डिसीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो यहाँ पर लीफ हॉपर के द्वारा या फिर ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा, वाइट फ्लाई के द्वारा, गंदी बग के द्वारा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन यहां पर होगा बी, बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंदी बग इंसेक्ट्स अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग किस दौरान जो होता है, आपको ये बताना है, जर्मिनेशन के टाइम पे होता है, फ्लोरिंग के टाइम पे, मिल्किंग स्टेज पे होता है या फिर हार्वेस्टिंग स्टेज पे होता है। तो दोस्तों, 31 का राइट ऑप्शन इज सी, मिल्किंग स्टेज, जब जो है राइस की जब मिल्किंग स्टेज आती है उसमें जब जो इसका सीड होता है जब उसमें जो जब उस डेवलप होने लगता है तब जो है गंदी बग इंसेक्ट अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस को जो है टेस्ट करने के लिए कितना वेट उसका हमें की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड कितने वेट की होती है, 15 ग्राम, 21 ग्राम, 24 ग्राम या 30 ग्राम? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी जो है 21 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजा सैटिवा इज़ अ डिप्लॉयड स्पीसीज हैविंग ब्लैंक क्रोमोसोम्स। तो ओरिजा सैटिवा जो इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 24 होते हैं क्रोमोसोम्स, ये साइंटिफिक नेम जो है आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है साइंटिफिक नेम बताइएगा, ये किस का साइंटिफिक नेम है, और मैं जो है आप
चलिए मैं आपको इतना जो है वेट ना करवाते हुए मैं बता, ये ओरिजा सेटिवा जो है ये राइस का जो है साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉपिंग कैरेक्टर्स इन राइस इज कौन सा हो सकता है? TF23A या फिर DGUZN NORIN10 या फिर OPQ2। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा दोस्तों बी, यानी कि DGUZN। नाम थोड़ा टिपिकल है लेकिन याद करना चाइनीज नेम है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ, यानी कि गोल्डन राइस में कौन से विटामिन सबसे ज़्यादा होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, स्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी या विटामिन के? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है राइट आंसर इज विटामिन ई। जो गोल्डन राइस होता है इसका जो है इसमें रिच सोर्स यानी कि सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय, किसके द्वारा जो है ये आइडिया जो है दिया गया था? जी एच सहल के द्वारा, जी एस घोष के द्वारा, वी एल चोपड़ा के द्वारा या फिर यशोदा? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन है सी एस जी एस घोष के द्वारा जो है ये आइडिया दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी सब्सिडी जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाती है वो कब से जो है लागू हुई ये आपको बताना है, कब से वो जो है इफेक्ट में आई? तो 37 का क्या राइट ऑप्शन हो सकता है? नवंबर 1, 1966, नवंबर 1, 1969, नवंबर 1, 1977 या फिर अक्टूबर 2, 1988? तो इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, यानी कि नवंबर 1, 1977 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रीड वीट इज, जो वीट है उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? टी डाइकोकम या फिर ट्राइटिकम एस्टिवम या टी स्फेरोकोकम या टी स्पेल्टा? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे बी, यानी कि ट्राइटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34, 39, इंडियन ड्रॉफ वीट बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है? तो टी ड्रम ट्राइडियम एस्टिवम या टी स्फेरोकोकम या टी स्पेल्टा? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे हो गए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये रिपीट हो गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हम 40 लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40, सेलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच, आपको इसमें से वो पेयर बताना है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। एमर वेट टी डिकोकम डाइकोकम मैक्रोनी जिसे मैक्रोनी टी ड्रम या मैक्सिकन वेट टी एस्टिवम या इंडियन ड्रॉफ वेट टी वॉल्गर? तो यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे होगा डी, यानी कि डी जो है वो मिसमैच है, करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, वीट इज ओरिजिनेटेड इन, वीट जो है कहाँ से ओरिजिनेटेड है, इसका जो है ओरिजिन क्या है ये बताना है? साउथ अमेरिका, सेंट्रल एशिया, टर्की या फिर साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप? चार में से कौन सा होता है? 41 का राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा बी, सेंट्रल एशिया जो है इसका ओरिजिन है। कॉमन ब्रेड वीट यानी कि 2N42 इज क्या है? डिप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है या फिर हेक्साप्लॉयड है या फिर ट्राइप्लॉयड है? तो ये 42 का आंसर होगा यहाँ पे सी इज राइट ऑप्शन, हेक्साप्लॉयड होगा। कॉमन ब्रेड वीट वो क्या है? हेक्साप्लॉयड एक वीट है। अगला क्वेश्चन, ड्रॉप वीट यानी कि मैक्सिकन इज इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी कि इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई किसके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया? डॉक्टर एनी बोरलॉग का, यानी कि या फिर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर सुब्रमण्यम या फिर डॉक्टर बी पी पाल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ए, डॉक्टर एनी बोरलॉग के द्वारा इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, मैक्सिमम एरिया अंडर वीट इज इन, मैक्सिमम एरिया कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड एरिया है जो कि वीट कवर करता है? तो इंडिया है, USA है, रसिया, चाइना? सही, इसका राइट ऑप्शन इज ए, इंडिया इज द मोस्ट
कल्टीवेटेड यानी कि जो क्रॉप कर वीट को जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री रैंक सेकंड इन वीट प्रोडक्शन, यानी सेकंड रैंक पर यहाँ पर कौन है, इंडिया, यूएसए, रसिया, चाइना। तो ये एक बार फिर से है, हमारा इंडिया जो है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सेकेंड नंबर पर रहता है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे फर्स्ट कौन है ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट वीट वैरायटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट लॉजिंग रेजिस्टेंट एंड हायर ग्रेन यील्ड वाज कौन सी हो सकती है, डीजी, उजेन, नॉरिंगटन, लैरमा, रोजो 64 8 ए या फिर सोनारा 64। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे होगा दोस्तों बी, यानी कि नॉरिन 10। अगला क्वेश्चन 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पे दोस्तों, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ वीट इज, यानी कि प्रॉपर जो ग्रेन फिलिंग का जब टाइमिंग होती है, जब ड्यूरेशन होता है, तो कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ये बताना है आपको। 20 से 25 20 से 23 20 23 to 25 16 to 20 degree Celsius। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लोरेंसेस ऑफ वीट इज नोन एज, ईयर, रेसम या फिर पेनिकल या उम्बेल, एम्बल। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन इज ए, इन्फ्लोरेंस ऑफ वीट इज नोन एज, वीट का जो इन्फ्लोरेंस है किस नाम से, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो 48 का यहाँ पे सही राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि एयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, द नॉर्मल सीड रेट ऑफ वीट इज, नॉर्मल सीड रेट ऑफ वीट क्या होगा, यानी कि पर हेक्टेयर आपको यहाँ पे बताना है, 50 kg पर हेक्टेयर, 75 kg पर हेक्टेयर, 100 kg पर हेक्टेयर या 125 kg पर हेक्टेयर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, यानी 100 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीट क्रॉप हेल्डिंग 50 quintals ऑफ ग्रेन पर हेक्टेयर रिमूव नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम kg पर हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली, यानी कि कितनी इन NPK जो है हमारा कितना ज़रूरत होती है, यानी कि कितनी रिक्वायर्ड होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हेक्टेयर पर बताना है, तो 100 to 150 या फिर 70 to 80 या फिर 125 to 150, तो या फिर बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो दोस्तों यहाँ इसका सही राइट ऑप्शन इज़ ए इज़ राइट ऑप्शन। तो NPK की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इस सीक्वेंस में होती है, इस ये रेशियो है उसका। तो दोस्तों आज का ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज मैंने आप लोगों से 25 क्वेश्चन जो है डिस्कशन किया है 25 क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहूँगा कि इसी का एक और वीडियो मैं लेकर आऊँ कि मैक्सिमम जो है एग्रोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सके। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। और अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए जोश के साथ। और आप भी ऐसे ही साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी तैयारी आपके साथ साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से होती रहे। और अपने महत्वपूर्ण सुझावों को ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप जो है कमेंट करें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो, जो मेरा चैनल है गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल, इसे जो है सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, तो आप जो है मेरा वीडियो मिस कर सकते हैं, और इससे जो है आपकी कंटिन्यूटी जो है ब्रेक हो सकती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।